तो भाई अपनी तो सुबह की मॉर्निंग हो गई है, लेकिन मिराज साहब की तो कब की हो गई है, तो मतलब नाश्ता नुश्ता करके फ्री हो गया। लेकिन आज हम जा रहे हैं, हालांकि कहाँ पे जा रहे हैं, भटूरे खाने, ना सुबह का ना वजीराबाद की गलियों में भटूरे वगैरह खाने। तो देखते हैं, आपसे शेयर करते हैं कि यहाँ के भटूरे वगैरह कैसे हैं और सुबह का नाश्ता। आज हमारा भाई और मोहम्मद मिराज इंडिविजुअल आराम से सो रहे हैं। ये थी हमारी शाही सवारी जिसपे हम सवारी करके आए हैं। फ्रेश फ्रेश भटूरे लग रहे हैं। साथ हलवा और साथ पूड़ी, इसका टेस्ट कैसा? लाइक फर्स्ट बाइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये फर्स्ट बाइट। आज का व्लॉग हम इन पहलियों में स्टार्ट करते हैं। हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक अ ब्रांड न्यू वीडियो, तो लेट्स गो। व्लॉग में मैंने आपको एक चीज नहीं दिखाई थी क्योंकि थोड़ा स्टे लिया हुआ था, मैंने कहा थोड़ा कुछ मुकम्मल बन जाए तो आपको दिखाऊंगा हम इधर अब्दुल्ला और मैं क्या करवा रहे हैं। टाडाना, ये इधर बन रही है फैक्ट्री, बिल्कुल साइड पे नाना बाबू की ज़मीन है, इधर एक साइड पे जगह लेके इधर फैक्ट्री बनाई जा रही है, तीन दुकानें डाली हैं। पहले इस फैक्ट्री की दीवार यहाँ से सीधा थी, लेकिन थोड़ी सी जगह और लेके दीवार इधर से थोड़ी तोड़ के यहाँ से एक सीधी दीवार ले गए, बकायदा इधर पूरी टोटल दीवार थी वो तोड़ के इधर एक नई दीवार बनाई गई जा रहा है कि जो ये वाला गेट है ना इसको उठा के यहाँ पे ले आए। अब देखते हैं जो मशवरे होंगे, जो बताया जाएगा उस तरीके से कर लिया जाएगा। और इधर पिलर वगैरह रखे हुए हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह आपको मैं टोटल एक्सट्रीमली सारा कुछ दिखाता हूँ कि इधर बेसिकली बन क्या क्या रहा है। पहले मैं आपको इन दुकानों के अंदर से बताता हूँ कि दुकानें किस बेसिकली किस चीज़ के लिए हैं। ये इसकी एक दुकान है, सारी इधर मेरी आवाज़ गूंज रही है। ये दुकान भी ऐसे जैसे ये भी हॉल है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और इधर देखो लालियों ने बनाया हुआ घोंसला, जिसकी वजह से नीचे सारा घोंसला गिरा हुआ, अगर मैं आगे गया ना तो इन्होंने मैंने चेक 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 करना है। और ये डिज़ाइन है, ये खिड़कियों के नीचे रखे जाते हैं, तो वहाँ पे अब्दुल्ला ने खिड़कियाँ वगैरह रखवाई हैं, तो उसके नीचे इंशाल्लाह अब्दुल्ला लगाएगा। शॉप के सामने एक छोटा सा गिराज और गिराज के ऊपर ही ऑफिस, ये बिल्कुल स्टेयर्स नहीं है, स्टेयर से ऊपर जाके सीधा ऑफिस, जबरदस्त क्या बात है। और ऑफिस अब्दुल्ला लेवल कर दिया, जो डिज़ाइन बनाया ना अब्दुल्ला, कहता है ऊपर आओ मैं आपको दिखाऊं ज़रा कि बेसिकली है क्या क्या चीज़। तो ऊपर जाके सारा रिप्रेजेंट करते हैं कि ऊपर है क्या, और ठंडा ठंडा पानी मेरे ऊपर गिर रहा है। ये क्या सीन है, ये हमारा ऑफिस जाके दिखाता हूँ, उधर से हमारे फुल ऑफिस का व्यू नज़र आता है, यहाँ से ऊपर चढ़ना पड़ना है ऑफिस में, इतनी सारी चीज़ें जबरदस्त। मैं से ऊपर चढ़ रहा नहीं जाएगा अब्दुल्ला, आपको ऊपर सर टोटल दिखाया, नहीं नहीं मैं ऊपर नहीं चढ़ जाएगा, पैंट पैंट दूसरी है मेरे पास। इधर मैं बड़ी मुश्किल से चढ़ा हूँ भाई ने, उधर वो क्या इसे क्या कहते हैं, ठेसी ठेसी नहीं क्या छैनी छैनी, इन्होंने दीवार के अंदर फंसा के मैं ऊपर बड़ी मुश्किल से ऊपर आया। अब्दुल्ला वो चीज़ दिखा दे जिस चीज़ का इंतजार कर रहे थे हम। अच्छा अभी इधर भी जगह है, क्या बात, अभी इसे सीढ़ियाँ डलनी है तो मैं भी ऊपर जाके आपको मिलता हूँ। चलो अब्दुल्ला दिखाता है मैं ऊपर चढ़ कैसे रहूँ, अगर मैंने स्पाइडर में ना देखे होते ना तो मैं ऐसे कभी भी ना चढ़ पाता। इधर इतने को ज्यादा नोले इधर बेइंतहा सांप, और मैंने जो सबसे ज्यादा देखे हमारे इधर चढ़ते भी हैं काफी ज्यादा नियोले, नहीं उसे कहते हैं सांडा, ज्यादा छिपकली टाइप होती है। ऊपर चढ़ते साथ ही जो हमें व्यू नज़र आता है सुभान अल्लाह, आस पास अब्दुल्ला कोई खेत खेत ही खेत, सिर्फ ऑपोजिट में वो स्कूल है, अभी पीछे ज़मीन पड़ी हुई है, सारी हमारी पीछे ज़मीन पड़ी जिसमें गंदम की फसल लगी थी, जो लगी थी वो सारी उतर गई है, लाडो की पुली था, लाडो की पुली अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल्ला डिज़ाइन मज़े बड़े मज़े के लगे, क्योंकि मैं ना सिर्फ इधर एक महीने रहा हूँ और बाकी जितना भी काम है ना प्लस्तर वगैरह डिजाइन डिजून वो सारे के सारे अब्दुल्ला ने करवाए। आए हाय हाय, वैसे अब्दुल्ला ये प्लस्तर में ना ये डिजाइनिंग की अलग बात होती है, क्या बात है। जो सफाई है ना वाला बड़ा मजे का, अब इसके ऊपर जो रेगमा लगेगा ना उससे जो क्लियरनेस होगी ना वो फंटेस्टिक होगी। वो रहा वॉशरूम और ये टोटल गोदाम,
अभी मैं आपको नीचे उतर के दिखाता हूँ, और ये सारे जो नीचे दो 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 ऑफिस टाइप कमरे हैं वो भी आपको दिखाता हूँ। जो सारा ना गोदाम में सीलिंग का काम स्टार्ट है वो भी आपको दिखाता हूँ। तो इधर टेम्परेचर है वल्ला गर्मी इंतहा की यार, सूरज देखें सर को लग रहा है बिल्ला की स्किन पे एक पता चल जाएगा। पहले मैं ना मेरा जो रंग है ना वो बड़ा पक्का रंग है, यानी गंद में काला कह दें, यानी ऐसे कुछ कह दें, अब्दुल्ला का चिट्टा। लेकिन वो मामी जान कहती हैं कि अली तेरा जरा थोड़ा सही हो गया अब्दुल्ला, तूने अपना हाल क्या बनाया, क्योंकि अब्दुल्ला लगातार ना इधर यानी बड़ा टाइम दे रहा है, जिसकी वजह से ना अब्दुल्ला को अप्रिशिएट है, क्योंकि इसने इधर बड़ा टाइम दिया अपना, जिसने टाइम कीमती वक्त था इसने बड़ा दिया, और वो नज़र भी आ रहा है कि माशाल्लाह ज़बरदस्त। और इस काम में अंकल इशाद भी शामिल है, और माशाल्लाह यानी मेरे खालू जान। आप सब ने मेरा व्लॉग देखा होगा जो मामा गाने बना रही थी मशीन में बैठ के, वो ये था कपड़े का जो सिलाई कर रही थी, ये बहने वगैरह ना बांधती हैं। उधर हाला ने बांधा है, इधर किस इधर किसने बांधा, इसने मामा ने बांधा, हाला आपी और मामा, जबरदस्त। जैसे स्टेयर से नीचे उतरते हैं तो सामने उधर खड़े होकर सारा ओवरऑल व्यू नजर आता है, लेकिन अभी तो काम हो रहा है। ये दो कमरे बनाए हैं, कमरे बेसिकली किस चीज के लिए बनाए हैं, अगर ये बेसिकली रूम बनाया है ये जिसने स्टे वगैरह करना, सेम ये वाला कमरा ऐसे एक ही साइज है, तो इधर सीलिंग वाला काम होना अभी। हां इधर सीलिंग की बात, इसकी भी सीलिंग, इसकी भी सीलिंग, इसकी भी सीलिंग, इसकी भी सीलिंग। मेरे भाई 4-5 महीने ना इस काम को कहीं भी नहीं गए, हंसते हंसते कहीं भी नहीं गए, क्योंकि जैसे एक काम खत्म होता है ना दूसरा काम कहता है कि मैं आ रहा हूँ आप रेडी रहो। तो भाई वो ठेकेदार साहब है प्लास्टर के लिए आए थे, वो दीवार भी कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं, कहते हैं मिस्त्री को लाना सो क्या निकालना औखा है, वो कहावत तो सुनी होगी आपने। ये दरवाजा बाद में निकाला, हाँ ये दरवाजा छोटा दरवाजा रखा है, गोदाम बंद होगा तो कुछ छोटा माल आना होगा। लाइक वाओ दुल्ला ने कितना को, मुझे तो इस चीज़ मैं जब था तब ये बस सिर्फ ये था, लेकिन अब तो ये बड़ा डिफरेंस हो गया। अब ये इस गोदाम का मेन गेट है, जहाँ पर अगर कोई ट्रक वगैरह आना हो सामान लेके वापस जाने के लिए, वो इसकी एंट्रेंस ये है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी खूब प्यारी फैक्ट्री अच्छी लग रही है ना ज़बरदस्त। ये देखें इधर माशाल्लाह, अगर हम हमारी जो पीछे कनक वगैरह अगर वो बंदा कतराई करके अगर स्टॉक करनी हो तो अल्हम्दुलिल्लाह जगह पास है, लेकिन ये जो फैक्ट्री बन रही है ये किसी और मकसद के लिए बन रही है। अगर जो गंदम हमारी उधर पड़ी होती है अगर वो स्टार्ट करनी हो तो बंदा यहाँ पे इजीली वो गंदम स्टार्ट कर सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सारा सीलिंग का काम हो रहा है, क्योंकि इधर टोटल ऊपर सीलिंग नहीं लगनी, मेरे ख्याल से सिर्फ ये साइड वाली सीलिंग लगनी है। ये दो विंडो दी हैं, क्योंकि इस पूरे बड़े हॉल में ना साइड पर कोई विंडो नहीं थी, तो इसकी रोशनी और हवा गुजरने के लिए एक विंडो बनाई है, और पीछे एक वेंटिलेशन एरिया बनाया हुआ है। और ये रहा वॉशरूम, वॉशरूम भी फैक्ट्री या लोगों के लिए बनाया है। इधर 3 वॉशरूम दिए गए हैं, और हर वॉशरूम का बाहर एक बोर्ड दिया गया है, और ये होदी निकाली है ये पाइप डालने के लिए सीवरेज का, ये गुड हो गया। इतनी जो फैक्ट्री है ना ये मुकम्मल तो हो गई है, लेकिन यहाँ सोचा जा रहा है कि यहाँ पर ग्रास लगा दी जाए, क्योंकि अच्छा लगे, और एक इधर से पाथ बन जाए, रोड बन जाए, ताकि कोई अगर ट्रक या ट्राली आनी हो तो मेन गेट से सीधा अंदर जाए गोदाम में माल उठाए और वापस। ये काम बेस्ट है, ये अब्दुल्ला के, ये ज़्यादा जो आइडियाज़ है ना ये अब्दुल्ला के हैं। और क्या बात, तो गुलाना मुझे कहते हैं मेरे पीछे वाले बाग में चले जाओ, हाँ तो वहाँ से जाके पीछे वाले बाग समझ रहे हो ना नहीं नहीं अंकल कहते हैं कि ना बैक साइड में मेरा ना वो है जगह है उधर अमरूद वगैरह लगे हैं, हाँ। तो वहाँ से तोड़ो जब लौट जाया करो, तो यहाँ से फल लेके जाया करो, यहाँ से सब्जियाँ लेके जाया करो, यहाँ से चीज़ें लेके जाया करो, अंकल गुलाना भी कहते हैं। तो आज फिर हो जाए वो काम, हाँ आज वो काम हो ही जाता है, उनकी तरफ चलते हैं ना फिर वो मिलेंगे। चलो इतनी देर से काम करा उसको पता नहीं, नहीं मैंने आंटी से नमक मंगवाते हैं छुड़ी मंगवाते खाते हैं। आए हाँ इधर आम लगे कच्ची कच्ची अंबियाँ, यहाँ से तोड़ते हैं और नमक लगा के मिर्चे लगा के खाते हैं। अब्दुल्ला और मैं साथ आपी जान के लिए और वाइफी के लिए हाला जान के लिए सब के लिए लेके जाते हैं, ताकि हम सब इंजॉय करें थोड़ा थोड़ा और टेस्ट लें। जो मैं हूँ ना वो आम तोड़ने में प्रोफेशनल हूँ, शूज़ उतारता हूँ, अब्दुल्ला ने जूती पहनी हुई है तो अब्दुल्ला की जूती पहन के इस दरख्त के ऊपर जाते हैं और कच्चे कच्चे आम तोड़ते हैं खटा खटा के ऊपर चढ़ता हूँ।
गोप्रो तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मोबाइल को जेब में रखते हैं और ऊपर जाके उतारते हैं और आपको दिखाते हैं सीन कि कच्चे कच्चे आम कैसे उतारते हैं। चोटी ले आए हैं क्योंकि ना इस दरख्त को ना ये छोटे छोटे कीड़े लगे हुए हैं। ये देखें ये दरख्त नुमा एक कीड़ा जो कि पता नहीं चलता कि दरख्त है लकड़ी है कि कीड़ा है। तो लाइए छुट्टी मैंने यहाँ ला ली थी। एक और दो। सही से कहते ना आम ये तोड़ा, अब सारे आम तोड़ के आपको मिलते हैं कि हमने कितने तोड़े हैं। खट्टा इतने आम तोड़ दिए, सबसे बड़ा ये एक ये आम था, बाकी छोटे छोटे आम हैं। अब बारी है अब्दुल्ला की आम तोड़ने की। अब्दुल्ला कह रहा छोटे छोटे आम नहीं तोड़ते, बड़े बड़े तोड़ो ताकि छोटे हो ये बड़े हो जाएं, फिर हम बाद में आके खा लें। जितने हमसे उतारे गए हमने सारे आम उतार लिए, जो बड़े बड़े हैं वो ये हैं। आय क्या बात, आस पास सारे खेत गिल्टी नहीं। तो यार अब्दुल्ला काट रहा, इसके ऊपर नमक लगा के ना खाएंगे, और जो बाकी क्या है थोड़ा अचार डाल लेंगे, थोड़ी चटनी बना के ना दाल चावल के साथ, आय हाय सारा स्वाद ही उस चीज़ का। इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर खाते हैं। रिएक्शन नोट करना, नहीं खट्टा हो गया ना। हाँ दोनों ने पहले टेस्ट करे थे, लेकिन मेरा रिएक्शन चेक करने आप खट्टा खट्टा मीठा मजा आ गया।